और आप देख रहे हैं WNN News। SRA योजना के बारे में आप सब ने सुना तो होगा ही। सरकार झोपड़पट्टी वासियों का जीवन स्तर सुधारने के लिए इस योजना को लाई है, लेकिन इस योजना से जनता खुश है या नहीं, ये जानने की सरकार ने कभी कोशिश नहीं की। सरकार सिर्फ नई नई योजना लाने का काम करती है, लेकिन उस पर अमल हो रहा है या नहीं ये कभी नहीं देखती, और यही कारण है SRA पीड़ितों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। लोगों की इन्हीं सारी परेशानियों को देखते हुए हम हमारे चैनल के जरिए आपको SRA से जुड़ी सारी जानकारी अवगत कराते रहेंगे। इस एपिसोड में हम आपको SRA से जुड़े सारे सवालों के जवाब देंगे। आज इसी विषय पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद मुकेश सिंह जी। मुकेश जी, WNN न्यूज में आपका स्वागत है। मुकेश जी, SRA क्या है और उसका काम क्या है? SRA 1997 में स्थापित किया गया था। SRA का काम ये था कि झोपड़ी धारक को एक नया घर देना, जो एक अच्छे स्टैंडर्ड का हो, लिविंग स्टैंडर्ड उनका बढ़ाना, और जो सुलभ शौचालयों की परेशानियां होती थी वो दिक्कतें खत्म हो जाए और एक स्टैंडर्ड बढ़ जाए। और लोगों को कहते कि जो कच्चे घर है, कच्चे मकान है, उसके जगह पक्के मकान मिले और उन लोग की स्टैंडर्ड दिन पर दिन बढ़ते रहेगा। क्योंकि कहता है कि जैसे जैसे देश विकास करते जा रहा है, लोगों की स्टैंडर्ड भी कहते लिविंग स्टैंडर्ड अप होती जा रही है। तो SRA महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा इसीलिए स्थापित किया गया था कि झोपड़ी धारक को एक नए घर में शिफ्ट किया जाए। सर, SRA में पहले से आज तक किस हिसाब से पात्रता चलती रही है? देखिए, SRA में क्या था कि जब 1997 में स्थापित किया गया था, उस टाइम पात्रता 1995 के डॉक्यूमेंट्स में की जाती थी। उसके बाद 2014 में GR नोटिफिकेशन आया, जिसमें पात्रता का पीरियड कम करके 2000 तक का कर दिया गया। फिर उसके बाद अभी कल रिसेंटली 2018 में GR आया है, जिसमें पात्रता का स्टैंडर्ड 2011 तक, पीरियड कम करके 2011 तक कर दिया गया है। जैसा कि कहते 2014 के GR है, उसमें ऐसा भी है कि अगर खरीदी बिक्री वाला है तो उसे कुछ पेमेंट दे के भी कर देके घर देने का कर देके कायदा रखा गया है। और 2018 के GR में भी वैसा ही है कि आपको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भरना पड़ेगा और उसके बाद में आपको घर मिलेगा। तो सर, SRA में पात्रता के लिए कोई फीस भी लगती है क्या? देखिए, SRA में पात्रता के लिए कोई फीस नहीं लगती है। आपको खुद कह देंगे SRA जाना पड़ेगा, आपके डिप्टी कलेक्टर के पास जाना पड़ेगा, अपना डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा और कोई फीस नहीं है। फीस समथिंग अगर कह देंगे आपने घर 2000 के बाद में परचेज किया होगा और जिस बंदे से परचेज किया होगा उसका 2000 पहले का डॉक्यूमेंट होगा, तो आपको सेल परचेज लगेगा। अगर रेसिडेंशियल है तो आपको 40,000 रुपये भरने पड़ेंगे, अगर कमर्शियल है तो आपको 60,000 रुपये भरना पड़ेगा, और जिससे सेल परचेज करके कह देंगे आपका घर आपके नाम पे पात्र हो जाएगा। अदरवाइज इसके अलावा SRA में कोई भी पात्रता फीस नहीं है। अगर आपको कोई गुमराह करता है तो वो गलत बात है, कोई फीस नहीं लगती। सर, ऐसा क्या कारण है जो झोपड़ी धारक होने के बाद भी उन लोगों को घर नहीं मिल पा रहा? देखिए, बहुत सारे लूप होल्स है। जैसे झोपड़ी धारक है लेकिन झोपड़ी धारक के पास में डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जैसे मान लीजिए कि 2000 पहले का डॉक्यूमेंट नहीं है और झोपड़ी धारक ने कहते 2006 में घर खरीदा है, उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं था, कहीं से भाड़े से कहते कि इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे थे, उनके पास वहाँ का वोटर आईडी नहीं है, उनके पास स्ट्रक्चर है, उन्होंने स्ट्रक्चर खरीदा है लेकिन उनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो क्या होता है SRA में कहते कि उनका एनेक्शन बन जाता है, लेकिन फिर बिना डॉक्यूमेंट की वजह से उनकी पात्रता नहीं होती। तो इस वजह से कहते हैं कि लोग परेशान होते हैं और दर बदर ठोकरे खाते रहते हैं, क्योंकि अगर अपात्र है तो उसका घर तोड़ दिया जाता है विद लीगल नोटिस और उसके बाद में उसे कोई कहते कि मुआवजा नहीं दिया जाता है और ना ही घर मिलता है। तो इस वजह से झोपड़ी धारक इस स्कीम द्वारा ज्यादा से ज्यादा परेशान है, क्योंकि स्ट्रक्चर है बट दे आर नॉट वैलिड, उनके पास वैलिड प्रूफ नहीं है उनका कि स्ट्रक्चर का वैलिड प्रूफ हो, किसी ने इलेक्ट्रिसिटी बाद में ली होगी, किसी ने वोटर आईडी बाद में खरीदा होगा, तो उस वजह से कहते हैं कि वो लोग वहाँ पे कहते हैं वो लूप होल में फंस जा रहे हैं और उनको घर नहीं मिल पा रहा है, जिसका फायदा चीफ प्रमोटर और बिल्डर दिन पर दिन उठाते रहते हैं, जिससे कि कहते हैं कि उन्हें सस्ते दामों में अपने घर बेच के जाना पड़ता है।
सर, बायोमेट्रिक सर्वे क्या है और ये एसआरए में क्यों कराया जाता है? देखिए, बायोमेट्रिक सर्वे क्या है कि पहले जो इलेक्शन बनते थे उसमें बहुत सारी धांधलियां होती थी। स्ट्रक्चर किसी और का है, नाम किसी और का चढ़ जाता था। तो अभी जो स्ट्रक्चर वाला बंदा है वो हमेशा क्या होता है कि चक्कर काटते रहता था ऑफिसों में, डिप्टी कलेक्टर है, सारे ऑफिसेज में चक्कर काटते रहता था और फिर भी एनेक्शन में उसका नाम नहीं आता था। तो बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारे कंप्लेंट्स, बहुत सारे असली झोपड़ी धारक को घर नहीं मिल पाता था। तो इसलिए गवर्नमेंट ने बायोमेट्रिक सर्वे निकाला जिसमें ओरिजिनल जो झोपड़ी धारक है उनके यहाँ जाते हैं और उसके थंब इम्प्रेशन लेते हैं, उसके फोटो लेते हैं, उसके स्ट्रक्चर का फोटो लेते हैं, जिससे वैलिड हो जाता है कि ये स्ट्रक्चर होल्डर यही है और ये स्ट्रक्चर भी इसका वैलिड है। और जिससे क्या होता है कि थोड़ा सा आसानी हो जाता है कि आइडेंटिफिकेशन करने के लिए कि स्ट्रक्चर होल्डर सही है और स्ट्रक्चर भी सही है। और ये रिपोर्ट क्या होता है कि जो बना दी जाती है वो एसआरए के लिए भी बहुत मदद करती है और लोगों के लिए भी बहुत मददगार है। सर, गवर्नमेंट ने 2011 का जीआर इशू कर दिया है लेकिन फिर भी एसआरए पर कोई कार्रवाई नहीं करना, तो ऐसा क्यों है? हाँ, गवर्नमेंट ने 2011 का जीआर इशू कर दिया है लेकिन जीआर में कैसा है कि कुछ लूपहोल्स है। जैसे आप कह सकते हो कि गवर्नमेंट ने उसमें दिया है कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट शुड बी पेड बाय द स्लम डेवलपर। तो वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या होता है कि अभी तक एसआरए में ये तय कर रहे हैं वो लोग कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लेना कितना है। अगर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट देखिए, अगर आप देखने जाओ 2014 का जीआर, उसमें दिया गया था कि सेल परचेस, अगर 2000 के बाद में किसी ने खरीदी बिक्री किया है तो उसे सेल परचेस मतलब 40,000 या 60,000 रुपए का कॉस्ट लग के कहते हैं उसके नाम पे पात्रता होती है। तो अभी जो 2018 में कहते हैं कि 2011 तक के उन्होंने बोला है 2011 तक को पात्रता की जाएगी लेकिन यू शुड बी पे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। जो भी कहते हैं कि अगर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ रहा है वो आपको पे करना पड़ेगा। तो अभी गवर्नमेंट यही डिसाइड कर रही है कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लेना कितना है, कि 3 लाख लेना है, 4 लाख लेना है, 5 लाख लेना है। जब तक वो डिसाइड नहीं हो जाएगा गवर्नमेंट के पास में तब तक तो कोई गलत है कि सोल्यूशन नहीं निकलेगी और कोई 2011 के बेस पे पात्रता नहीं हो सकती और एसआरए भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। सर, एसआरए में अपील कब की जाती है और उसके क्या फायदे हैं? देखिए, एसआरए में अपील तभी किया जाता है जबकि आपका घर अपात्र हो। आपका घर अपात्र हो तो आपको अपील करना पड़ता है। जैसे आपका एनेक्शन एडिशनल कलेक्टर ने बनाया है तो आपको उसमें कहीं त्रुटियां हैं तो आपको अपील करके एडिशनल कलेक्टर के पास में जाना पड़ेगा कि ऐसे ऐसी गलतियां हुई है, इसको सुधार करने के लिए गलत है कि इस पे आप एक नया ऑर्डर पास कीजिए जिससे इससे सुधार किया जाए। अदरवाइज जैसे डिप्टी कलेक्टर ने आपका एनेक्शन बनाया है तो एनेक्शन में आपको अपात्र कर दिया गया है लेकिन नेक्स्ट अथॉरिटी एडिशनल कलेक्टर है तो आपको एडिशनल कलेक्टर के पास में अपील फाइल करना पड़ेगा कि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है लेकिन फिर भी कहते हैं कि मेरे को अपात्र कर दिया गया है। तो वहां से आपको रिमांड बैक, आपको वहां से रिकमेंडेशन मिलेगा, वो केस आपका रिमांड बैक आएगा डिप्टी कलेक्टर के पास में। आफ्टर उसके बाद में डिप्टी कलेक्टर फिर से उस पर रीवेरिफिकेशन करेगा, रीडॉक्यूमेंटेशन करेगा और फिर जाके आपकी पात्रता साबित होती है। तो उसके लिए अपील करना पड़ता है। अदरवाइज अपील एक और भी केस में करना पड़ता है, अगर कहते हैं कि गलत झोपड़ी धारक है, उसने फर्जी बाड़े से झोपड़ी लिया है तो जो सोसाइटी के लोग हैं अगर कहते हैं कि उसको अपात्र कराना चाहते हैं तब पर भी अपील किया जाता है। वो अपात्रता का अपील होता है और उसके लिए भी कहते हैं कि आपको कंसर्न एडिशनल कलेक्टर के पास ही जाना पड़ेगा और उस पे कहते जो ऑर्डर आएगा उस पे कार्रवाई होगी। कहते अगर वो वैलिड है तो उसे कहते कि मान्य कर दिया जाएगा, अगर वो वैलिड नहीं है तो उसे अपात्र कर दिया जाएगा। यही अपील की कार्रवाई है। सर, आपको क्या लगता है एसआरए के मैटर के लिए कोर्ट में जाना चाहिए या नहीं? देखिए, एसआरए के मैटर के लिए कोर्ट में जाना जरूरी नहीं है क्योंकि आप देखो अपील कहते कि एक प्रोसेस है। जैसे डिप्टी कलेक्टर से कहते गलती हुई तो एडिशनल कलेक्टर उसको सुधारेंगे, एडिशनल कलेक्टर से गलती हो रही है तो एसआरए सुधारेंगे। अगर कुछ भी नहीं हो रहा है तो आपको कहते कि वहाँ पे लीगल एंड ग्रीवेंस डिपार्टमेंट है एसआरए में, वो भी कहते कि आपकी सुनवाई करेगी, वहाँ पे भी आप अपील डालिए। उसके ऊपर हाई पावर कमेटी भी है आपकी, हाई पावर कमेटी के पास भी आप अपील डाल सकते हो। लेकिन कैसा है, अपील शुड बी इन थ्रू प्रॉपर चैनल,
कैसा है कि आपको डिप्टी कलेक्टर के बाद में एडिशनल कलेक्टर जाना है, एडिशनल कलेक्टर से फिर आपको क्या कहते हैं एसआरए जाना है, वहाँ पे हाई पावर कमिटी में जाना है, लीगल एंड ग्रीवेंस में जाना है, तो ये सब प्रॉपर चैनल में, जब यहाँ सुनवाई नहीं होती तब वहाँ जाना है। कोर्ट के कोर्ट कोई डायरेक्शन कैसा है, कोर्ट में आप डायरेक्ट एसआरए के मैटर को लेके जाते हो तो वहाँ पे कैसा होता है कि ऑलरेडी एसआरए के पास में एक मिनी कोर्ट है, तो क्या आपको कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं, पहले आप एसआरए को अपील कीजिए, जब आपको सोल्यूशन नहीं मिलता है तब आपको कोर्ट में जाने की जरूरत है। अगर कहते हैं केस बहुत बड़ा है, कहते हैं बहुत बड़ा फ्रॉड का केस है जिसमें बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, फॉर्जरी हुई है और कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, तब आपको कोर्ट में जाना चाहिए, अदरवाइज आपको कोर्ट में जाके अपना टाइम और पैसा नहीं वेस्ट करना चाहिए। सर, एसआरए में चीफ प्रमोटर और बिल्डर छुपेदारक को घर दिला सकते हैं या नहीं? देखिए, एसआरए खुद ही एक अथॉरिटी है और बिल्डर वहाँ पे वो अपना कंस्ट्रक्शन करने आता है, वो सेल बिल्डिंग के लिए कंस्ट्रक्शन करने आता है, और चीफ प्रमोटर सोसाइटी में अपॉइंटेड एक पर्सन है जो हमारे कहते हैं हमारा नेतृत्व करता है। तो देखिए, चीफ प्रमोटर भी हमें एसआरए में घर नहीं दिला सकते और बिल्डर भी हमें एसआरए में घर नहीं दे सकते, देने वाला कौन है, सिर्फ एसआरए। तो लोगों से मेरा अपील है कि जहाँ तक हो सके कहते कि वो डिप्टी कलेक्टर ऑफिस, एसआरए ऑफिस, यहीं पे अपने कहते कि कंप्लेंट्स दे, जरूरी नहीं कि कहते कि वो चीफ प्रमोटर बिल्डर के पीछे घूमते रहे और अपने टाइम को वेस्ट करें। अच्छा है कि कहते कि वो कंसर्न अथॉरिटी कहते डिप्टी कलेक्टर जो है उनके पास अपनी कंप्लेंट दे, अपनी प्रॉब्लम बताए और एसआरए में अपनी प्रॉब्लम बताए, जहाँ से आपका निदान हो सके। अदरवाइज कहते कि आप चीफ प्रमोटर और बिल्डर के पीछे घूम के कोई फायदा नहीं है, अगर आपकी कोई भी परेशानी है आप कंसर्न अथॉरिटी से कॉन्टेक्ट कीजिए। सर, हमसे बात करने के लिए आपका धन्यवाद। सरकार ने भले ही एसआरए की योजना झोपड़पट्टी वासियों का जीवन स्तर सुधारने के उद्देश्य से लाई है, लेकिन एसआरए पीड़ितों की लगातार बढ़ती संख्या और परेशानियों को देखकर ऐसा लगता है कि इस योजना से आम जनता का जीवन स्तर तो नहीं सुधरेगा, लेकिन हाँ, बिल्डर का जीवन स्तर जरूर सुधरेगा। अगर आप भी एसआरए से जुड़ा कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें स्क्रॉल पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। एसआरए से जुड़े अन्य सवालों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए WNN न्यूज़।